साथियों, आज ममता दीदी की सरकार में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। संदेश खाली की घटनाओं ने पूरे देश और दुनिया को दहला दिया है। हमारी बहन बेटियों के साथ टीएमसी के लोग खुलेआम अत्याचार करते थे, उन्हें अपनी बंधक गुलाम मानकर रखते थे। ऐसी ऐसी वारदात सभ्य समाज जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी शिक्षा और सभ्यता के लिए जाने वाले बंगाल को, देवी की पूजा करने वाले बंगाल को इन लोगों ने ऐसी हालत में पहुंचा दिया है। संदेश खाली के गुंडों माफियाओं को महिलाओं पर अत्याचार की खुली परमिशन किसने दी थी? अत्याचार की परमिशन किसने दी थी? महिलाओं पर जुल्म करने की परमिशन किसने दी थी? जब महिला संगठनों और दूसरी महिलाओं ने उन बहनों के आंसू पोंछने चाहे, तो टीएमसी सरकार उन्हें क्यों परमिशन नहीं दे रही थी? आप मुझे बताइए, क्या शक्ति की उपासना करने वाला बंगाल इस घोर पाप के लिए ये टीएमसी वालों को सजा करेगा कि नहीं करेगा? बड़ी से बड़ी सजा करेगा कि नहीं करेगा?